गणेश जी का सुबह 12:30 बजे यहाँ आना तय है। हेलीपैड वहाँ जीवदानी अपना मंदिर है, वहाँ पे हेलीपैड की व्यवस्था की गई है। 25,000 पब्लिक यहाँ पे आपको इकट्ठा हुई दिखेगी, तो आप वहाँ पे अपना अड्डा जमा चुके हैं। इसके कारण वहाँ पे मैदान की कमी के कारण हम भी मजबूर है, ये जीत ही रहे, हम पहले दिन से बोल रहे हैं, ये तो मार्जिन बढ़ने वाला है। लाखों की संख्या में लोग योगी जी सुनने के लिए आएंगे। मुंबई से सटा हुआ शहर है वसई विरार, जहाँ का ये नाला सोपारा क्षेत्र जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, और आपको दिखा दूँ कि ये एक मंच है। देखिए बहुत बड़ा विशाल मंच बन रहा है, ये मंच योगी जी की सभा के लिए बन रहा है। जी हाँ, हमने आपको पहले ही जब ये खबर आई थी तभी हमने आपको ये इसी जगह का निरीक्षण करवाया था, दिखाया था कि कहाँ पे किस तरीके से तेजी से कार्य चल रहा है। आपको दिखा दें कि इस तरफ देखिए बड़ा लंबा बैठने का अरेंजमेंट हो रहा है, जो लोग योगी जी को सुनने आएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो लोग सुनने आएंगे उनके लिए मंच पे यहाँ पे बिठाने की व्यवस्था और उनके सुरक्षा की जो चाक चौबंद व्यवस्था है उसकी तैयारियाँ, पुलिस प्रशासन और साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। हम पहले उनसे जानकारी ले लेते हैं कि क्या कुछ टाइम टेबल सेट हुआ है। मनोज जी बताइए कब आ रहे हैं, जैसा आपने बताया था 18 को सभा होनी है, क्या शेड्यूल है उनका? उनका योगी जी का सुबह 12:30 बजे यहाँ आना तय है। यहाँ पे सभा का शुभारंभ 12:30 बजे हो जाएगा। अच्छा। और 1 बजे के आसपास वो यहाँ मंच पे उपस्थित रहेंगे, उनका भाषण करीबन 1 बजे शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो योगी जी आने की जो व्यवस्था दी गई है, आपने हेलीपैड वगैरह कहाँ बनाया है? हेलीपैड वहाँ जीवदानी अपना मंदिर है, वहाँ पे हेलीपैड की व्यवस्था की गई है। अच्छा, वहाँ से फिर वो बाई रोड आएंगे? बाई रोड वहाँ से उनका कॉन्वो के थ्रू आएंगे, जो उनकी सिक्योरिटी रहेगा वहाँ से, सिक्योरिटी के हिसाब से आएंगे, सिक्योरिटी के हिसाब से वहाँ से ये नाला सुबारा चल के आएंगे। यस। कितने लोगों की व्यवस्था दिख रही है यहाँ पे? काफी बड़ी व्यवस्था यहाँ पे, जो अभी थोड़ा हमें कम दिख रहा था दूसरा मंडप, तो कम से कम 9,000 से 10,000 सीट की व्यवस्था हो जाएगी, बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे ये जो खुला दिख रहा है वहाँ से करीब ऐसा समझ लो कि 20-25 हज़ार पब्लिक यहाँ पे आपको इकट्ठा हुई दिखेगी। तो हम अगर मैदान अच्छा मिलता हमें प्रॉपर लोकेशन के साथ तो वहाँ 50,000 लोग जम जाते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वसई विरार में आपको मैंने जैसे परसों ही 2 दिन पहले बोला है कि वहाँ भूमा पे अपना अड्डा जमा चुके हैं, इसके कारण वहाँ पे मैदान की कमी के कारण हम भी मजबूर है ये इतने छोटे मैदान में इनकी सभा लेने। देखिए जिस दिन से पता चला है पूरे वसई विरार के अंदर बुलडोजर बाबा की चर्चा है, चाहे पान की टपरी हो चाहे चाय की टपरी हो, हर जगह पे उनकी चर्चा चालू है और लोग आतुरता से उनकी राह देख रहे हैं कि वो कब आवे और हम कब उनको देखें और कब सुने। इस तरह का माहौल वसई विरार के अंदर पुलिस ने अपनी व्यवस्था वगैरह जो करनी चाहिए करने, और वाहतूक विभाग भी जो परिवहन विभाग है उन्होंने अपनी मतलब ट्रैफिक वगैरह की समस्या ना हो उस तरह से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सज्ज है। और जो अगर नैरो वगैरह का जो विषय है तो वो तो प्रशासन ने अपना बनाया है, तो प्रशासन देखे जब आ रहे हैं तो उसे हमें क्या लेना देना। प्रशासन ने ये जो दुर्दशा अगर वसई विरार की है तो कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार है, तो अभी व्यवस्था बनाने का काम भी प्रशासन करे, उसे हमारा कुछ लेना देना वो देखेंगे। अरे सीट तो हम जीत ही रहे, हम पहले दिन से बोल रहे हैं ये तो मार्जिन बढ़ने वाला है और कुछ नहीं। अच्छा, बहुजन विकास अघाड़ी तो कह रही है भाई वो नंबर 1 है, वो पीछे से जो नंबर आता है ना, क्योंकि 1, 2, 3 होता है ना, तो फिर ऐसे गिनने को जावे तो पीछे से और ऊपर से दोनों से गिना जाता है ना। अच्छा चलिए, धन्यवाद आपका। क्या कहें तिवारी जी, योगी जी आ रहे हैं और पूरा नाला सोपारा पूरा पालघर भगवा में होने वाला है, देखेंगे लाखों के एक ग्राउंड की संख्या भले हजारों में हो पर नाला सोपारा वेस्ट में लाखों की संख्या में लोग योगी जी सुनने के लिए आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे युवा नेता जो है यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग, और बेशक आपने जहाँ पे देखा होगा उनकी रैलियाँ जहाँ पे होती हैं, उनकी सभाएं जहाँ पे होती हैं, बेशक बड़ी संख्या में लोग आते हैं और ये जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं ये वास्तव में काफ़ी बृहद और काफ़ी विशाल प्रारूप तैयार किया जा रहा है। लेकिन ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि ये जो जगह है वाकई में छोटी है, क्योंकि हर आने वाले व्यक्ति ये सोच रहा है कि 10,000 से 20,000 या 25,000 लोग जो हैं वो शायद इससे संख्या उनकी बढ़ जाए, क्योंकि उनकी जो लोकप्रियता है विश्व में बड़े नेताओं में शामिल होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी जी का नाम हमेशा जोड़ा जाता रहा है, वो उनके कई पीछे उनके कई कारण हैं जिसके लोग उनके फ़ैन होते हैं, उनकी जो बेबाकी है उनका जो अंदाज़ है वो बेहतरीन है। खैर फिलहाल ये चुनावी मौसम है और नेताओं का जो आने जाने का क्रम है वो सब लगातार लगा हुआ है, तो ऐसे तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें मेट्रो सिटी समाचार।